आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ शेंदुर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए लड्डू साई गुरुवर को, महिमा कही न जाए लाख तुहू पग को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज, विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, जय गणेश जय हनुमान। आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि सुबह सुबह गणेश जी की प्रार्थना कर दी है, गणेश जी का भजन आरती गा दिया है। याद रखें, जिस दिन सुबह प्रभु की याद रहे, जिस दिन ऐसा लगे कि प्रभु हमारे साथ है, वो दिन बड़ा ही खुशनुमा जाता है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ 23 जनवरी 2023, बड़ा ही शुभ दिन है। चंद्रमा मिथुन राशि में है, नक्षत्र राहु का है आराध्रा, देर रात्रि तक आज भौम प्रदोष है। जो शिव जी का व्रत प्रदोष का मंगलवार के दिन आता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि शुक्र धनु राशि में जब प्रवेश कर गए थे तो शुक्र के उपाय हमने हर राशि के लिए नहीं जाने थे। मेष राशि, आपको करनी चाहिए महालक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी नारायण की आराधना, जिससे आपके परिवार में धन आए, संचित धन हो और साथ में आपके विवाहित जीवन में आपको आराम मिले। वृषभ राशि, आपके लिए ये समझ लीजिए कि आपको महालक्ष्मी की आराधना के साथ दुर्गा की आराधना भी करनी है और दुर्गा की आराधना के साथ आपको डायमंड पहन सकते हैं आप, और डायमंड संभव ना हो पहनना तो आप पहन सकते हैं जरकन, जो कि सस्ता होता है, अमेरिकन डायमंड जिसे कहते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए डायमंड पहनना भी उचित है, जरकन पहनना भी उचित है, लेकिन अगर आपको प्रेम संबंध ठीक करने हैं और बच्चों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो कुछ ज़रूरतमंद स्त्रियों को मदद किया कीजिए और साथ में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जरूर जाया करें। कर्क राशि, आपके लिए अपने माँ के पैर छूना, उनकी सेवा करना आपके सुखों को बढ़ाएगा, वाहन लाएगा, प्रॉपर्टी लाएगा, पैसा लाएगा। सिंह राशि, आपके लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि शुक्र आपका दशम भाव का स्वामी होते हुए आपको कब पैसा देता है ये पता होना चाहिए। उच्च के चंद्रमा आते हैं तब भी शुक्र पैसा देता है, स्वग्रही होता है तब भी देता है, यात्रा में भी फायदा देता है। अगर वो अच्छा बैठा हो तो क्या करना चाहिए आपको, आपको अपने कपड़े, पहनने वाले कपड़े इज्जत से रखने चाहिए, सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, शुक्र जो है आपका भाग्य भाव है, आपका परिवार है, आपको अपने परिवार की स्त्रियों का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। घर से निकलते वक्त अगर मुंह में थोड़ी चीनी खा लें तो आपका काम हो जाएगा। तुला राशि, आपके लिए आप अपनी साज सज्जा, अपना जिम जाना, एक्सरसाइज करना, अपनी सुंदरता को बढ़ाना और अपनी पर्सनैलिटी के लिए काम करना उचित रहेगा, उससे तबीयत भी अच्छी रहेगी, मीडिया आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी बनेंगे। वृश्चिक राशि, अगर आप स्त्री हैं तो गजरे लगाना, फूल लगाना, सिंगार करना बहुत उचित रहेगा आपके लिए, प्रेम संबंधों के लिए भी और साथ में आपके विवाहित जीवन के लिए भी। धनु राशि, आपके लिए विरोधियों से निपटने के लिए चंडी की आराधना करना, काली की आराधना करना और साथ में धन कमाने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना उचित रहेगा। मकर राशि, आपके लिए ज्ञान बढ़ाने के लिए, सिद्धि बढ़ाने के लिए आपको सरस्वती माँ की आराधना करना और साथ में आप अपने कार्यस्थल पर पैसा कमाने के लिए महालक्ष्मी की स्थापना करना ईशान कोण में उचित रहेगा। कुंभ राशि, माता पक्ष और साथ में बड़े भाई बहनों की मदद मिलती रहे, कामकाज बढ़ता रहे, घर में सुख की व्यवस्था रहे, इसलिए आपको अपने शरीर पर इत्र लगाना या साथ साथ में दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ना बहुत ही उचित रहेगा, शुभ रहेगा। मीन राशि, आपके लिए निरंतर अगर आप पार्वती माँ, गौरा माँ की पूजा करते रहें, गौरी माँ की पूजा करते रहें और साथ साथ अपनी सेहत ठीक रखने के लिए चीनी का प्रयोग कम करें
मीठी चीज़ें कम खाएं तो जीवन में आपके शुक्र तत्व बैलेंस रहेगा और कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे आपको महालक्ष्मी के श्री सूक्त के पाठ भी पढ़ने चाहिए। शुक्र किसके लिए सबसे ज़्यादा कारक और फायदेमंद होता है, कौन सी वो राशि है? वृषभ राशि और तुला राशि का वो स्वामी है, उनके लिए तो कारक है ही है। मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर और कुंभ राशि, इनको बहुत ज़्यादा फायदा देता है शुक्र। अगर उसकी अच्छी दशा आ जाए, अगर वो गोचर में अच्छा बैठा हो या कोई भी शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ हो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आइए हम किसी एक की समस्या का समाधान ईश के पास से किए देते हैं। विशाल पाटिल जी विरार से लिख रहे हैं कि फ्लैट नहीं बिक रहा, नंबर दिया है इन्होंने 49। विशाल पाटिल जी, आपका फ्लैट बिकने के लिए एक आपको उद्यम करना पड़ेगा और वो ये है विशाल जी कि आप राधा कृष्ण की आराधना करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, अपनी माता से सलाह लें तो आपका काम हो जाएगा। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत।